जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बुधवार को भगवान रघुनाथ को समर्पित बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं ढालपुर में सैकड़ों लोग भी इस बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए आए और मैदान में भगवान रघुनाथ के रथ को खींचकर पुण्य भी कमाया। भगवान रघुनाथ अपने मंदिर से ढालपुर के लिए धूमधाम के साथ रवाना हुए और पूजा अर्चना के बाद उन्हें अपने रथ पर विराजमान किया गया। भगवान रघुनाथ रथ यात्रा के माध्यम से अपने अस्थायी शिविर में पहुंचे, जहां पर भजन कीर्तन के साथ साथ भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। रघुनाथ जी आज चित्रकूट में आए हैं, बैठे हैं और मुझे दूत के रूप में भेजा है कि मेरे भरत को देखो कि वो बदल गया, तो मैं फिर नहीं जाऊंगा। अगर वैसा ही है, अगर वो चाहता है तो मैं अयोध्या में जरूर पहुंचूंगा। और लक्ष्मण भरत जी उठे, कुछ नहीं देखा, नंगे पांव ही दौड़े और जाकर वहां उनके घर अपने रघुनाथ जी के चरणों पर पड़े और उनके साथ फिर गुरु विशिष्ट वगैरह सारे आते हैं और उन्हीं के साथ फिर रघुनाथ जी अयोध्या पहुंचे थे। और वो ये सारे नियमों का अनुसरण करना प्रतिभा, ये जो परंपरा है, यहाँ पर खड़े हैं हमारे पास मंत जी, आज भी ये मंत ये परंपरा निभाएंगे। यहाँ से लेकर 40 दिन तक रघुनाथ जी में बंदर में हम जाकर होली का गुलाल फेंकेंगे, गुलाल पीला गुलाल फेंकेंगे। और जब 8 दिन रह जाएंगे होली को, तो फिर बैरागी लोग डफ मजीरा लेकर आते हैं और मथुरा वृंदावन की होली गाते हैं और रघुनाथ जी के साथ सीधा अपने मंदिर में होली खेलते हैं। फिर लंका, फिर भाग जब होलिका दहन हो सकता हो गया, उसके बाद होली बंद हो जाती है। ये हर साल की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये रघुनाथ जी के सम्मान में मनाया जाता है। और ऐसे हमारे बुजुर्गों का कहना है कि आज से 40 दिन के लिए ये आगाज हो गया बसंत का और साथ में आपका होली का भी 40 दिन के बाद मनाई जाएगी और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। बहुत उत्साह देखने, देखिए सभी भक्त जो है वो पूरे हर्षोल्लास चाहती है, बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं और पूरे सभी पीले वस्त्र में यहाँ आए हैं और बड़ी धूमधाम से इसका बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। और पुराने समय में 40 दिन के लिए पूरे जनपद में बैरागी समुदाय जो लोग होते थे वो पूरे जनपद में घूमते थे और 40 दिन तक इसका बसंत ऋतु का त्यौहार मनाते थे और 40वें दिन के बाद वो होली मनाते थे। तो इसी तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये त्यौहार। हाँ, ये हमारी पुरानी परंपरा है, रघुनाथ जी के सम्मान में आज बसंत ऋतु के दिन जो है वो सभी लोग पीले वस्त्र धारण करने बहुत पसंद करते हैं और उसी परंपरा के रहते हम आज पीले वस्त्र पहन के सभी आए हैं। बसंत का उत्सव है जो आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पहले जो है हमारी संस्कृति में एक गौंतरी की पूजा की जाती है जो यहाँ पे विशेष करके कुल्लू में बहुत खुशी से मनाई जाती है। इसमें 3 दिन की पूजा की जाती है, जैसे पहले दिन अपने शिव जी भगवान पार्वती जी उनको स्थापित किया जाता है और जो औरतें होती हैं वो शुरू में जो गहने बनाती हैं उनको, जो शिव जी जी पहनते हैं, जो पार्वती जी पहनते हैं, उन सबको हम अपने हाथों से बनाते हैं, उनसे मीठा आटा गूंथ के फिर वो रोटियां बनाएंगे, फिर उनके स्वागियां करेंगे। इस तरह से पहले दिन उनको जो भोग है वो गहनों का लगता है, दूसरे दिन जो भोग है वो उनको इसका अपने हलवे का लगता है और तीसरे दिन जो है वो आज बसंत के दिन में मीठे चावल और खिचड़ी का भोग लगता है। तो ये जो परंपरा है ये बहुत कई सालों से चली हुई है जो आज तक हम निभा रहे हैं और भगवान की दया है कि सुल्तानपुर में जो है रघुनाथ जी का वास है तो वो स्पेशल आज रघुनाथ जी हमारे साथ, हम सब उनके साथ आते हैं और ढालपुर में उनको स्थापना की जाती है और शाम को सभी लोग फिर से उनको अपने स्थान में साथ जाके के वहीं पर स्थापित कर देते हैं। वहीं बसंत पंचमी का त्योहार देखने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि दशहरा उत्सव के बाद भगवान रघुनाथ बसंत पंचमी पर भी ढालपुर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे में वे सभी हर साल बसंत पंचमी का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें भगवान रघुनाथ के दर्शन हो सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।